हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमलेश, सरस्वती विद्या मंदिर बरवासेना बेतिया। दिस इज द सेवेंथ पीरियड फॉर क्लास सेवन, चैप्टर नंबर सेवन, नेम्ड एज क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। इसके पहले छः वीडियोज में हम लोगों ने क्या पढ़ा उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने शुरुआत किया था वेदर से, जिसमें लोगों ने पढ़ा कि वेदर क्या होता है, वेदर के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि वेदर को चेंज करने में हेल्प करते हैं, और उस वेदर का हमारे डेली लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। साथ में ये भी जाना कि वेदर और क्लाइमेट में क्या रिलेशन है, किस तरह वेदर को एवरेज करके हम लोग किसी भी जगह का क्लाइमेट के बारे में पता करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा एडेप्टेशन के बारे में, जिसमें हम लोग जानकारी प्राप्त की कि किसी भी जगह का क्लाइमेट वहाँ पर रहने वाले सभी तरह के जीव जंतुओं को प्रभावित करता है। छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हर ऑर्गेनिजम्स वहाँ के इन्वायरमेंट के अनुसार होता है। उसका रहन सहन, खान पान, सब कुछ वहाँ के क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। जहाँ का जैसा क्लाइमेट वहाँ पे उस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे एक विशेष तरह का जानवर एक विशेष तरह के जगह पर ही पाया जा सकता है, वो किसी अदर रीजन में नहीं पाया जा सकता। जैसे पोलर बियर, पोलर बियर नाम से पता चलता है कि ये पोलर रीजन में रहने वाले जीव जंतु हैं, और जो ध्रुवीय प्रदेश है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, इसीलिए वहाँ के क्लाइमेट के अनुसार पोलर बियर एडेप्टेड होते हैं। जैसी वहाँ कंडीशन होती है उसी के अनुसार वो जीवित रहते हैं, लेकिन अगर उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए तो वो लोग जीवित नहीं रह सकते। लास्ट वीडियो में हम लोग देखा था एक्लिमेटाइजेशन, एडेप्टेशन क्या होते हैं। इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना है कि दो तरह के केस स्टडीज जो कि इस पृथ्वी पर एक्सट्रीम क्लाइमेट डिजर्व करते हैं, जिसे हम लोग एक्सट्रीम क्लाइमेट भी कह सकते हैं। पहला है बहुत ही ठंडा प्रदेश, जिसे हम लोग पोलर रीजन कहते हैं, और दूसरा है बहुत ही गर्म प्रदेश, जिसे हम लोग ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। इन दोनों रीजन्स में रहने वाले जीव जंतु, उनका रहन सहन, उनके अडेप्टेशंस, उनके फीचर्स, इन सभी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन उन दोनों के बारे में स्टडी करने से पहले, वहाँ पर रहने वाले जीवों के बारे में स्टडी करने से पहले, हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली एनवायरनमेंट है किस तरह का। तो सबसे पहला पॉइंट है पोलर रीजन। पोलर रीजन का एनवायरनमेंट कैसा होता है सबसे पहले हम लोग देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज सिचुएटेड अराउंड द 90° नॉर्थ एंड 90° साउथ लेटीट्यूड रेस्पेक्टिवली। यानी कि 90° नॉर्थ और 90° साउथ, पृथ्वी का जो दोनों हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा और सबसे निचला हिस्सा, जैसे कि इस फिगर में आप देख पा रहे हैं। पहला फिगर है नॉर्थ पोल का, जहाँ के आसपास बहुत सारे लैंड स्थित हैं, और उस पोलर रीजन में ज़्यादातर तो जो रीजन है वो समुद्र है, और समुद्र ये बाकी सभी रीजन्स जो हैं वो लैंड से घिरे हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। दूसरा है अंटार्कटिका, यानी कि साउथ पोल। पूरा का पूरा जो साउथ पोल है वो बर्फ से ढका रहता है सालों भर, जिसका स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, और ये एक तरह का कॉन्टिनेंट है, लेकिन ये पूरी तरह निर्जन और वीरान है। यहाँ पे किसी भी तरह का इंसान नहीं रहते हैं, तो ये एक तरह का निर्जन जगह है, लेकिन अदर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। दूसरा है द एवरेज टेम्परेचर ऑफ पोल्स इज गिवन बिलो। जैसे नॉर्थ पोल के बारे में अगर बात करें, तो वहाँ पे गर्मी के मौसम में, नॉर्थ पोल पे गर्मी के मौसम में
मैक्सिमम टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास रहता है, मैक्सिमम टेम्परेचर वो भी 0 डिग्री के आसपास। लेकिन जो विंटर सीजन है, विंटर सीजन में वहाँ का टेम्परेचर -40 डिग्री तक चला जाता है, यानी कि कभी कभी एक्सट्रीम सर्दी में भी टेम्परेचर -50 डिग्री तक भी जा सकता है। ये नॉर्थ पोल की स्थिति है गर्मी में और सर्दी में। लेकिन साउथ पोल में समर के मौसम, यानी कि वहाँ की गर्मी जो है, गर्मी में भी वहाँ का टेम्परेचर -28.2 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये एवरेज है, अप्रॉक्सीमेटली समझ सकते हैं हम लोग -30 डिग्री के आसपास गर्मी के मौसम में वहाँ पे टेम्परेचर रहता है, जबकि ठंडी में वहाँ का टेम्परेचर -60 डिग्री तक चला जाता है, और कभी कभी एक्सट्रीम कंडीशन में तो -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी रिकॉर्ड किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो दोनों पोलर रीजन है, ये दोनों एक्सट्रीम कोल्ड रीजन्स हैं, जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा, बहुत अधिक ठंडी पड़ती है। तीसरा है, द एटमॉस्फेयर इज ड्राई, दैट इज ह्यूमिडिटी इज नियरली ज़ीरो। अब आप समझ सकते हैं, चूँकि यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे होता है, और 0 डिग्री से नीचे होने के कारण यहाँ पे वाटर वेपर क्रिएट नहीं हो पाता है, और होता भी है तो बहुत कम मात्रा में। लेकिन चूँकि टेम्परेचर बहुत कम है, इसीलिए जो वाटर वेपर है वो फिर से वाटर ड्रॉप्स और बर्फ़ के रूप में वापस ज़मीन पर गिर जाते हैं, और वहाँ पे हमेशा स्नोफॉल के रूप में ही बारिश होती है, हमेशा स्नोफॉल होता है। वहाँ के एटमॉस्फेयर में, वहाँ के एयर में वाटर वेपर नहीं पाया जाता है, इसीलिए ह्यूमिडिटी ज़ीरो होती है। द विंड आर ब्लोइंग एट हाई स्पीड। अब चूँकि ये लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पे हमेशा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, इसलिए यहाँ पे बहुत तेज ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। और इन सभी परिस्थितियों के कारण पोलर रीजन का जो एटमॉस्फेयर है वो सभी तरह के जीव जंतुओं के लिए सूटेबल नहीं हो पाता, इसलिए इन जगहों पर रहने वाले लोग बहुत कम हैं। नॉर्थ पोल पे तो कुछ लोग रहते हैं, लेकिन साउथ पोल यानी कि अंटार्कटिका में पूरी तरह वीरान है, वहाँ पर कोई नहीं रहता। लेकिन गर्मियों के मौसम में जब टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास, जैसे कि देखा गया कि टेम्परेचर -30 डिग्री के आसपास पहुँचता है, तो वहाँ पर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए जाते हैं, लेकिन बाकी समय में वो पूरी तरह खाली रहता है। ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जो पोलर रीजन में पाए जाते हैं? नेम ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द साउथ पोल, जैसे पेंगुइन्स, व्हेल्स, सील्स, एल्बाट्रोसेस, सी बर्ड्स एक्सेट्रा। ये ऐसे प्राणी हैं जो उस एक्सट्रीम ठंडी में भी सर्वाइव करने की क्षमता रखते हैं। नेम ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द नॉर्थ पोल, जैसे रेनडियर, पोलर बियर, आर्कटिक फॉक्स, नॉर्वेल, वॉलरस, सील, ऑक्सन, ये कुछ विशेष तरह के जानवर और पालतू जानवर भी वहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि इंसान रहते हैं इसीलिए कुछ पालतू जानवर भी यहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे वहाँ पे रेनडियर का उपयोग गाड़ी खींचने के लिए किया जाता है, यानी कि ऐसे जैसे हम लोग बैलगाड़ी देखे हैं, बैलगाड़ी में बैल जो है वो टांगे को खींचता है, उसी तरह वहाँ पे रेनडियर का इस्तेमाल किया जाता है यात्रा यातायात के लिए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एक विशेष फैक्ट है, एक विशेष पक्षी है आर्कटिक टर्न, जो कि आर्कटिक यानी कि नॉर्थ पोल के रीजन में पाया जाता है। ये ठंडे प्रदेशों में पाया जाने वाला प्राणी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडे में ये जीवित नहीं रह सकता, इसीलिए जब नॉर्थ पोल पे ठंडी शुरू होती है तो वहाँ से उड़कर वो दूसरे गर्म प्रदेशों की तरफ चला जाता है, और ये ज़िंदगी भर ऐसे ही यात्रा करता रहता है।
जब साउथ पोल पे ठंड शुरू होगी तो नॉर्थ पोल पे आ जाएगा, और नॉर्थ पोल पे ठंड शुरू होगी तो साउथ पोल पे आ जाएगा, और ये पूरा ज़िंदगी ऐसे ही नॉर्थ पोल से साउथ पोल ट्रैवल करता रहता है। इट इज़ अ माइग्रेटरी बर्ड, ट्रैवल 30,000 किलोमीटर पर ईयर, प्रति वर्ष लगभग 30,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर करता है। यानी कि अगर पूरा जीवन भर का कैलकुलेशन किया जाए तो लगभग 24 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ये हर अपने लाइफ पूरे लाइफ भर में 24 लाख किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है, क्योंकि अधिक ठंडी में ये जीवित नहीं रह सकते। इसलिए जैसे ही नॉर्थ पोल में या साउथ पोल में ठंडियाँ शुरू होती हैं, वहाँ से उड़कर गर्म प्रदेशों की तरफ चले जाते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं। इसका नाम है आर्कटिक टर्न। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद के जो पोर्शंस हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।